बीते 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने भय और स्वार्थ की दीवार के बीच गुजरात को गुलाम बनाने की साजिश की है। सरकारी विफलताओं के कारण आज गुजरात में मंदी, महंगाई, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गैस का सिलेंडर 1100 के पार है, तेल का डब्बा 3000 के पार हुआ है, घर का बिजली महंगा हुआ है, हमारा परिवहन महंगा हुआ है, शिक्षा का निजीकरण होता जा रहा है, सरकारी स्कूलें बंद है, सरकारी अस्पताल में सारवार की सुविधा नहीं होने के कारण कोरोना में 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मुझे लग रहा है कि भाजपा की विफलताओं से आज गुजरात में हाहाकार है। तो आज इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए मैंने वोट किया है, मैंने सुबह उठ के वोट दिया है। मेरा वोट वो महंगाई को हराएगा, मेरा वोट वो मंदी को भगाएगा, मेरा वोट वो बेरोजगार युवाओं के लिए नई सरकार में रोजगार के दरवाजे खोलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने वोट किया है, गुजरात भी वोट करेगा, सत्ता परिवर्तन होगा, पूरे गुजरात में कांग्रेस का जय जयकार होगा।